प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। सब भाई और बहनों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज प्रभु ने हमको एक मौका और दिया जब हम इस तरह से एकत्रित होकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकें। उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। जो भाई पहली बार आए हैं, हम इस संगति में हम सब लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम प्रभु के वचन से रोमियों की पत्री उसके 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने 12वें अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद आत्मिक जीवन में हम सिर्फ एक नया जीवन पाए हुए शिशुओं के समान है। और जिस तरह से एक शिशु को आई से लेकर सीधे खड़े होने और उसके बाद संसार में जब वो शिशु प्रवेश करता है और जब भलाई और बुराई दोनों उसको एक साथ आकर्षित करती है, तो बुराई को छोड़कर भलाई के पीछे जाना चाहिए, ये हम अपने शिशु को सिखाते हैं और अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वे जीवन में सिर्फ सही रीति से कार्य करेंगे या सही रीति का कार्य करेंगे। रोमियों की पत्री 12वां अध्याय हमको ये बताता है कि आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जिसने भी आत्मिक जीवन में जन्म लिया है, उससे प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने जीवन में एक आत्मिक शिशु के समान धीरे 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 उन्नति करेगा और एक ऐसा समय आएगा जब उसके सामने आत्मिक रूप से जब चैलेंज आता है भलाई और बुराई, तब वो प्रभु के प्रति अपने समर्पण के कारण भलाई को चुनेगा। आज 13वें अध्याय में हम एक ऐसे विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों को ताज्जुब से भर देगा। मैं एक वास्तविक घटना सुनाकर इस अध्याय के अध्ययन को आरंभ करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मैं प्रभु की सेवा में आने से पहले टीचिंग जॉब में था और सबसे आखिर में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन मैंने अपना अध्यापन यूनिवर्सिटी से नहीं, एक स्कूल से आरंभ किया। वह स्कूल जिसमें पहली से 11वीं तक मेरी पढ़ाई हुई थी, उस समय सिर्फ 11 क्लास हुआ करता था मध्य प्रदेश में। MSc पास करने के बाद मैं वापस उसी स्कूल में गया और वहाँ पर अध्यापक हो गया और वहाँ पर मेरी देखरेख में एक नया सेक्शन स्कूल ने शुरू किया जिसका नाम था नवांकुर। बाकी पहली से वहाँ पर क्लासेस थे, लेकिन नवांकुर की विशेषता यह थी कि बहुत ही उम्दा ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए अध्यापक लोग आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों को क्लास वगैरह लेते थे और अंग्रेजी माध्यम में था। क्रमशः मेरे स्वयं के दोनों बच्चे भी नवांकुर में ही पढ़े। नवांकुर में वो इतना पॉपुलर हो गया कि यदि 50 सीट थे तो 5000 लोग तक अप्लाई करते थे। एक बार की बात है जब नवांकुर के लिए फॉर्म्स पहले जांचे जाते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो जांचते जांचते देखा कि एक व्यक्ति के बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। सही नहीं से मेरा मतलब है, एडमिशन के लिए ये नियम था कि पिछले साल या उससे 3 साल पहले
अप्रैल 31 से पहले का जन्म होना चाहिए। इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने देखी तो वो अप्रैल 31 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने पिताजी को बुला के कहा कि देखो भैया, तुम्हारा बच्चा एडमिशन के काबिल नहीं है, इसलिए कि यहाँ एडमिशन के लिए अप्रैल 31 से पहले का डेट चाहिए। एक फलाना साल हमने बताया, जिस साल एडमिशन होता है उससे 3 साल पहले का, अप्रैल 31 से पहले का डेट होना चाहिए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मई या जून में है। उसने क्या जवाब दिया, अरे सर आप पहले बता देते, मैं तो म्यूनसिपालिटी का कार्य करता हूँ, यदि आपने पहले बताया होता तो मैं अप्रैल 31 के पहले की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाके दे देता। मतलब बच्चा पैदा हुआ है जून में, लेकिन एडमिशन के लिए यदि 31 के पहले की डेट चाहिए तो हाँ हाँ मैं वैसा सर्टिफिकेट आपको लाकर दे देता। कहने का मतलब कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसका कोई मायना मेरी नज़र में नहीं है, सच बोलूँ या झूठ बोलूँ। बच्चे को एडमिशन चाहिए तो उस हिसाब का पेपर बना के मैं ले आऊँगा। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु के बच्चों का व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए। यदि बच्चा जून में पैदा हुआ है तो जून में ही पैदा हुआ है, उसके लिए यदि आप अप्रैल का पेपर बनवा देते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं और ज़िंदगी भर उस बच्चे से आप झूठ बुलवाएंगे। प्रभु का वचन बहुत ही लंबे शब्दों में, काफ़ी लंबा एक पैराग्राफ है जिसमें ये बात याद दिलाता है कि मैं और आप जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, मेरी और आपकी कानून के सामने क्या स्थिति है, कानून मानना है या नहीं मानना है, कायदे कानूनों का आदर करना है या नहीं करना है, सरकार का आदर करना है या नहीं करना है, और सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना है या नहीं करना है। मैं अपनी तरफ से इन बातों को बताऊं, उसके बदले हम सीधे सीधे प्रभु के वचन को पढ़कर देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। 13वें अध्याय के पहले पद से हम इस तरह से पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो प्रभु की ओर से ना हो, और जो भी अधिकार हैं वे सब प्रभु के ठहराए हुए हैं। जब हम एक समाज में जीते हैं तो इस बात को याद रखें कि उस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैकड़ों कायदे कानून होते हैं, और इन कायदे कानूनों का पालन करना मेरे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के लिए, मैं जब विश्वविद्यालय से यहाँ आता हूँ तो वहाँ एक जगह लाल बत्ती हरी बत्ती वगैरह है, और उस सड़क पर सरकार ने बाकायदा एक सफ़ेद लाइन डाल रखा है। नियम के अनुसार सामने जब लाल बत्ती हो या पीली बत्ती हो, आपकी गाड़ी उस सफ़ेद लाइन को स्पर्श ना करे, उसके पहले आप उसे खड़ी करें। हरी बत्ती के होने के बाद ही आपकी गाड़ी उस सफ़ेद लाइन को क्रॉस करे। मैं जब भी आके उस सफ़ेद लाइन के पीछे खड़ा हो जाता हूँ तो अक्सर लोग पीछे आके हॉर्न पे हॉर्न देते जाते हैं कि भैया उसको क्रॉस करके थोड़ा और आगे जाओ। आवाज़ सुनने में बड़ी परेशानी होती है, पीछे से हॉर्न पे हॉर्न आ रहे हों, लेकिन मेरी जिद है कि नहीं, जब तक हरी बत्ती ना आए तब तक भैया आप कितना भी हॉर्न बजाते जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। टेंशन आपको है जो अपने हॉर्न के ऊपर खड़े हैं जिससे कि आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे। कायदे कानून सरकार ने यदि बनाए हैं तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए सरकार को नियुक्त किया है, और वो सरकार है जो कायदे कानून बनाती है। पिछले संडे जब हम कायदे और कानूनों को तोड़ते हैं तो उसका कितना दुखदायी फल होता है, ये पिछले हफ्ते मैंने देखा। पिछले हफ्ते यहाँ से
सभा के बाद घर पहुंचे, रात को 9:10 पे मुझे खबर मिली कि मेरे चाचा जान का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है और बचने के चांसेस कम हैं। क्या हुआ? सड़क पर सरकार ने बाकायदा जेब्रा क्रॉसिंग बना रखा है। जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जब कोई आदमी उतर जाता है, ट्रैफिक लाइट हो तो उस लाइट के हिसाब से जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना होता है। जिस जगह ट्रैफिक लाइट नहीं होता है, वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे से जेब्रा क्रॉसिंग पर उतर कर खड़ा होता है, तो जाने वाली हर गाड़ी को, जाने वाली आने वाले हर गाड़ी को अपनी गाड़ी रोक देनी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर सके। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, सारे देशों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक विशेष बात जो हम में से कई भारतीय लोग नहीं जानते, वो ये है कि सड़क जनता के लिए है, सड़क गाड़ी वालों के लिए नहीं है। जब जनता सड़क क्रॉस कर रही है, तब गाड़ी वाले को चुपचाप शांत खड़े रहना चाहिए। भारत में नियम धीरे धीरे कड़े हो रहे हैं। कई राज्यों में यदि जेब्रा क्रॉसिंग कोई क्रॉस कर रहा है, उस समय कोई गाड़ी उसको जाकर टच कर ले या जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर ले, तो वहाँ कैमरा उसके चित्र को कैद कर लेता है, बाकायदा कंप्यूटर में उसका नंबर चला जाता है, घर पे फाइन पत्र आ जाता है कि बेटा फाइन भरो। और 3 बार जब इस तरह से फाइन भर देता है कोई व्यक्ति, तो 3 अपराध के कारण 3 महीने या 6 महीने के लिए उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। इसराइल जैसे देश में जब बच्चे क्रॉस कर रहे होते हैं, पुलिस वाले ने सीटी दी बच्चे के क्रॉस करने के लिए, और यदि किसी ड्राइवर ने उसका उल्लंघन किया और इस तरह से 3 बार पकड़ा जाता है, तो आजीवन उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। फिर जिंदगी भर आप रो गिरो पड़ो कुछ भी करो, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये नियम सरकार क्यों बनाती है? जनता की सुरक्षा के लिए। उस जनता की सुरक्षा को कोई आदमी भूल गया, उसके कारण मेरे चाचा जान का बहुत ही बुरी तरह से उनकी दुर्घटना हुई। देश प्रसिद्ध डॉक्टर थे और इस कारण एक से एक बड़े डॉक्टर उनको बचाने में लगे रहे, लेकिन 36 घंटे मुश्किल से उनकी जान रही, उसके बाद वो गुजर गए। कल उनका संस्कार हुआ, कल उनको हमने दफनाया, सारा देश उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। एक अच्छा डॉक्टर जो दूसरों के साथ बहुत अधिक दया दिखाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो, वो शिशु रोग विशेषज्ञ थे, ऐसा व्यक्ति जिसने 10,000 परिवारों में खुशी लाई है या खुशी दी है, क्योंकि बच्चे को कोई चंगा करता है तो सारा परिवार खुश होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसने बच्चों के बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ रोगों को देखते ही पहचान लिया और जिसके लिए इलाज करके उस बच्चे को एक नया जीवन दिया और उस परिवार को एक नई खुशी दी, उस व्यक्ति का जीवन 1 सेकंड के 100वें हिस्से में समाप्त कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि किसी व्यक्ति ने कायदे कानून का उल्लंघन किया। प्रभु का वचन इसीलिए तो कहता है कि जितने भी अधिकार हैं, मतलब अधिकारी लोग जो कायदा और कानून हमारे लिए बनाते हैं, उनको प्रभु ने ठहराया। आप कहेंगे शास्त्री सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ये जो शास्त्र की अधिकारी जो नियम वगैरह बनाते हैं, इनमें से कोई व्यक्ति मसीही नहीं है? प्रभु यीशु का, या शायद 10 लोग कायदा कानून बनाते हैं तो उनमें से 9 लोगों ने तो प्रभु को जाना नहीं है। जी हाँ, जाना हो या ना जाना हो, हर मसीही व्यक्ति इस बात को समझ ले आज, जाना हो या ना जाना हो, ये संसार प्रभु के नियंत्रण में है और प्रभु ने लोगों को अलग अलग स्थानों पर नियुक्त किया है जिनके द्वारा हमारा बचाव होता है। और इस कारण प्रभु का वचन क्लियरली बोलता है कि हम इन अधिकारों का पालन करें। आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, बहुत सारे नियम कानून बहुत ही अन्यायी होते हैं। सच है, मनुष्य जब नियम या कानून बनाता है तो उसमें थोड़ा बहुत अन्याय भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे नियम कानून अन्याय से भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए,
रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाना हो तो 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कटवाना होता है। आप कहेंगे कैसा अन्याय है, हम आध घंटे के लिए प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उसके लिए 5 रुपया टिकट कटवाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब रेलगाड़ी आती है तब उस प्लेटफॉर्म पर यदि अंधाधुंध भीड़ हो तो धक्का मुक्की में बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी के नीचे गिरने की संभावना है। ऐसा होता भी है, धक्का मुक्की के कारण लोग गिर जाते हैं और बहुत ही निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। इसलिए अनावश्यक धक्का मुक्की से बचाने के लिए सरकार ने यह नियम बनाया है कि सिर्फ वे ही लोग प्लेटफॉर्म पर जाएं जिनका जाना बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी हो तो जेब से 5 रुपया खर्च करने में आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने 5 रुपये का टिकट लगा रखा है। जो मेरे बचपन में 10 पैसे का हुआ करता था, फिर 25 पैसे का हो गया, 50 का हो गया, 1 रुपया हुआ, 2 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, जल्दी ही वो 10 रुपया हो जाएगा। और 10 हो गया है क्या? अच्छा, मैं बहुत दिन से प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, 10 रुपया हो गया है, ये भाई ने बताया। हाँ, इसका मतलब है कि सन 2025 के आसपास वो 25 रुपये का हो जाएगा और मेरे जीवन काल में वो टिकट शायद 50 रुपये का हो जाएगा। लेकिन ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे बहुत ही वैज्ञानिक कारण है, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए सरकार यह करती है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सरकार अन्याय कर रही है, मैं टिकट नहीं लूंगा। आप किसका विरोध कर रहे हैं? अगला पद पढ़ के देखें तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अगले पद में लिखा है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो प्रभु की विधि का विरोध करता है और विरोध करने वाले दंड पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, यदि आप रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ना केवल ट्रैफिक पुलिस पकड़कर आपको सजा देगी, यदि मान लीजिए पकड़े गए तो पकड़कर ना केवल वे लोग आपको सजा देंगे, लेकिन प्रभु की संतान होने के कारण, उस नियम के उल्लंघन के कारण प्रभु की तरफ से भी आपको सजा होगी, मतलब डबल सजा होगी। हम में से कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं ना, आज से पहले नहीं जानते थे। जब प्रभु का एक बच्चा इस संसार में गलत कार्य करता है तो वो 2 प्रकार के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, एक प्रभु के बनाए हुए दिव्य कानून का और 2 मनुष्य के बनाए हुए कानून का। मनुष्य के बनाए हुए कानूनों का जब वो उल्लंघन करता है तो वो पकड़ा जाता है तो उसको सजा होगी। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि पकड़ा जाता है तो सजा होगी? इसलिए कि वे मनुष्य जिन्होंने नियम और कायदे बनाए हैं वे सर्वज्ञानी नहीं हैं, इस कारण कई बार उनको धोखा देकर लाल बत्ती पे भी रोड लोग क्रॉस कर लेते हैं, और चूंकि नियम बनाने वाला या पुलिस वाला वहाँ पर हर जगह मौजूद, हर समय मौजूद नहीं होता, इस कारण हो सकता है आप बच जाएं। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं, जिस सर्वेश्वर ने इस संसार की रचना की है उस सर्वेश्वर ने इन लोगों को इसलिए उस जगह पर रखा है कि वे हमारी सुरक्षा के लिए नियम बनाएं, और हमारी सुरक्षा के लिए जब वो नियम बनाते हैं उस नियम को मैं और आप यदि छोटा सा नियम भी हो उसका लंघन करेंगे तो सर्वेश्वर से भी हमको सजा मिलेगी। इसलिए हर विश्वासी को ये बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, इस संसार में जितने अधिकार और अधिकारी लोग हैं वे सब वहाँ पर प्रभु की इच्छा से आए हैं, वे लोग परफेक्ट नहीं हैं, उनसे कई बार गलती हो जाती है, उनमें से कई लोग निकम्मे होते हैं, योग्य नहीं होते। इतना ही नहीं, उनमें से कई लोग बहुत बुरे होते हैं, लूट करते हैं, घूस लेते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं ये मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कि वे ना मेरे ना आपके नौकर है, उनको प्रभु ने ठहराया है, और यदि वे अपना कार्य सही रीति से नहीं करेंगे तो कल को सरकार उनको पकड़ लेगी, और सरकार यदि नहीं पकड़ती तो अभी प्रभु देख रहे हैं और उनके जीवन में उससे कोई अनुग्रह नहीं होगा। मैं ऐसे कई सरकारी लोगों को जानता हूँ, डॉक्टरों को, पुलिस वालों को,
सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले को, जो बिना घूस लिए जिनका हाथ कलम तक नहीं जाता है। मान लीजिए आप उनके पास जाके कहते हैं कि सर ये मेरा एप्लीकेशन है, इस पे जरा साइन कर दीजिए, तो ये पेन उनके जेब से निकल कर कागज़ तक जाए उसके लिए पहले उनकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि साहब के हाथ तभी चलते हैं जब उसको गर्म किया जाए या उसको एनर्जी दी जाए, तो साहब कहते हैं जाके उस चपरासी से मिलाओ। जब आप उस चपरासी से जाके कहते भैया मेरा एक सिग्नेचर साहब नहीं कर रहे, कह रहे थे कि तुमसे मिलाओ, तो वो कहता अरे सर आप शायद इस देश में इस दफ्तर में पहली बार आए हैं, साहब का हाथ तो तभी हिलेगा जब हाथ की एनर्जी दी जाए। तो आप पूछते हैं एनर्जी कैसे दी जाए, तो वो कहता है कि अरे साहब की जेब पर एक लिफाफा रख दो और उसे इत्ते का नोट रख दो। और जब आप कहते हैं कि भैया ये तो करते हुए मुझे शर्म आती है, तो वो कहता है कि आप हमको दे जाइए, मैं साहब को मुंडी हिला के बता दूंगा, तो साहब समझ जाएंगे कि आपकी एनर्जी हमारी जेब में आ गई है और साहब तुरंत साइन कर देंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे 50 लोग मैंने देखे हैं मेरे स्वयं के विद्यार्थियों में। कईयों के माँ बाप इस तरह के लोग थे, लेकिन अब मैं तो सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, 4 दिन पहले 64 क्रॉस कर गया, तो अब जिंदगी इतनी देख ली है कि मैं मेरे जवान भाई और बहनों को ये बात गारंटी से बता सकता हूँ कि चाहे मसीही हो या गैर मसीही हो, जो आदमी गैर कानूनी काम करता है वो 10 या 20 या 30 साल के लिए ऐसा हमको लगता है कि वाह 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 खूब माल है और मलाई खा रहे हैं साहब, लेकिन उनके जीवन में जो होता है 10, 20 या 30 साल के बाद, वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने एक स्कूल से अपना जीवन, अपना टीचिंग जीवन चालू किया था। उस स्कूल में एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमती लड़की थी और उसका टॉप आना निश्चित था। उसके पिताजी एक बहुत ही पहुंचे हुए सरकारी डॉक्टर थे, बिना घूस लिए उनकी कलम आगे नहीं बढ़ती थी, और यदि आप घूस दे दो तो कलम न केवल आगे बढ़ जाती थी, यदि आप पर्याप्त घूस दो तो वो काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करके आपको सर्टिफिकेट दे देते थे। वो बच्ची धीरे धीरे धीरे, कोई कारण कोई भी नहीं ढूंढ पाया, धीरे धीरे मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगी। और जब वो 11th में पहुंची, जब मैं पढ़ाता था तब मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 क्लास होते थे, जब वो 11th में पहुंच गई तो इतना ज़्यादा उसका संतुलन बिगड़ गया कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे उसको समझ में नहीं। हमने कहा कि बेटा तुम्हारे सामने फलाना इक्विपमेंट रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। उस ज़माने में हम अध्यापक लोग जो इंटरनल है थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पुश दे दिया करते थे, मतलब फेल को हम पास तो नहीं करते थे, लेकिन जो पास है वो बाय चांस यदि थोड़ा सा उसको गड़बड़ हो रहा है तो उसको हल्के से एक पुश दे देते थे। तो मैंने अपने लैब असिस्टेंट से कहा कि अरे भैया वो बेचारी बड़ी इंटेलिजेंट है और आज उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके सामने क्या रखा हुआ है, तुम जाके थोड़ी सी मदद करो। हमारा जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम था उसको मैंने बताया कि सर देखिए ये बच्ची बहुत ही ब्रिलियंट है लेकिन आज उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप उसके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रखें। उन्होंने कहा कि सर आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, वो आपकी बच्ची है और हम यहाँ किसी को फेल करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे को उचित नंबर मिले, इसलिए उस बच्ची को आप सही रीति से मदद पहुंचा दीजिए जिससे कि वो अपनी योग्यता के हिसाब से इस एग्ज़ाम को दे दे। तो हमने एक्सटर्नल को पटाया, हमने लैब असिस्टेंट से कहा कि जाके उसकी ज़रा मदद करो। अगल बगल में जो विद्यार्थी थे उन सब से मैंने कहा कि खबरदार उसकी तरफ नज़र मत डालना,
वो कुछ भी करे तुमको कोई मतलब नहीं, सारे इंतजाम किया, लेकिन आधे एग्ज़ाम के बाद वो बच्ची उस क्लास को छोड़कर चली गई। उसका मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि उस साल उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। परिवार वाले उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं तो उनका अपमान होता है, इसलिए घर बैठा के उन्होंने इलाज करवाया, तमाम सारे नीम हकीम बुलवाए, कोई फायदा नहीं हुआ। करोड़ों रुपए की आय उसके पिताजी ने इल्लीगली सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद करके बनाया, क्या फ़ायदा हुआ? मेरा या आपका बुद्धिमान बेटा या बेटी यदि उसका जीवन हमसे खो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्या फ़ायदा? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के किसी भी बच्चे को नियम और कानूनों को तोड़ना नहीं चाहिए। मेरी खुद की मंडली या जिस सत्संग में मैं नियमित रूप से जाता था, उसमें एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के सरकारी अफसर थे, बहुत ही हाई लेवल की हस्ती थी, और सरकार के करोड़ों रुपए का माल उनके गोदाम से एक दिन बाहर अंदर होता था, करोड़ों रुपए का माल प्रतिदिन। तो माल जब अंदर बाहर होता था तो उसमें से थोड़ा उनका जो मकान बन रहा था उस प्लॉट में पहुंच जाता था। फाइनली उन्होंने वहां एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा कर दिया, और मैं सुन रहा था, मेरी मंडली के मुखिया से बोला कि इतना बड़ा महल जो मैंने खड़ा किया है, इसमें एक ईंट भी मैंने नहीं खरीदा है। प्रभु का वचन एक बात याद दिलाता है, सावधान रहो, कोई भी व्यक्ति प्रभु को धोखा नहीं दे सकता है। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। मेरे सामने वो अंकल बुरी तरह से पीड़ित होकर, उन दिनों आज के समान दवाई नहीं होती थी, आज के समान पेन किलर दर्द नियंत्रण के लिए दवाई नहीं होती थी, मैं 1960 वगैरह की बात बता रहा हूँ, दर्द से रो रो कर कैंसर से उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, एक लड़का था वो हत्यारा बन गया, तीन लड़कियाँ थी उसमें से एक पागल हो गई, दो पता नहीं भिखारियों के साथ भाग गईं। उस समाज में सबसे उन्नत एक अफसर के परिवार की बात बता रहा हूँ, जो एक मसीही था, जो प्रभु यीशु का बच्चा था, जो मंडली में नियमित रूप से आता था, जिसके बच्चे हमारे साथ संडे स्कूल में पढ़ते थे, चोरी करने में, सरकार का माल चोरी करने में उनका कॉन्शियंस, उनका विवेक हिचकिचाया नहीं। ना केवल उन्होंने चोरी की, हिंदी में कहते हैं चोरी और सीना जोरी, ना केवल उन्होंने चोरी की, बड़े घमंड के साथ चर्च के मुखिए को, बच्चे खड़े हुए हैं मेरे समान सुन रहे हैं, उनके सामने बोला कि मैंने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया और इतना बड़ा महल बनाया, क्या फ़ायदा हुआ? वे उस महल में नहीं रह पाए, उनका परिवार नहीं रह पाया, उनके परिवार का नामो निशान मिट गया। प्रभु का वचन ये बात याद दिलाता है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की, वो प्रभु की विधि का विरोध करता है, और वो प्रभु की विधि का सामना करता है, और जो भी व्यक्ति प्रभु का विरोध करता है वे दंड पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, यदि तुम अधिकारियों से निडर रहना चाहते हो अच्छा काम करो। चौथा पद मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, पढ़कर सुनिए, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए प्रभु का सेवक है। कौन? आप कहेंगे कि अरे शास्त्री सर कैसी बात कर रहे हैं, मेरे आसपास तो तमाम सरकारी दफ्तर है जिनसे मेरा बहुत काम पड़ता है, वहां तो प्रभु यीशु का कोई अनुयायी नहीं है। अनुयायी हो या ना हो, इस सारे विश्व का नियंत्रण प्रभु के हाथ में है, और इस विश्व के नियंत्रण के लिए प्रभु ने जिन लोगों को रखा है या जो लोग करते हैं, वे लोग उस सत्ता में प्रभु के कारण आए हैं।
और ये प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। जैसा मैंने बताया, उनमें से कई लोग उस पद पर बैठने के योग्य नहीं हैं, लेकिन ये जांचना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई लोग अन्यायी हैं, ये जांचना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नियम और कायदों का पालन करना ये मेरे आपके लिए जरूरी है, ठीक है। सातवें पद के आखिर में मसीही के लिए, ये प्रभु यीशु के अनुयायी के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सातवें पद के आखिर में दिया है। वहां लिखा है, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। इसके पहले, इसके ठीक पहले पुराना हिंदी ट्रांसलेशन, इसलिए शायद आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। सातवें पद के शुरू में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। कर और महसूल एक ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उपयोग आजकल होता नहीं है, तो आधुनिक भाषा में मैं उसका अनुवाद करके बताता हूँ, जिसको टैक्स देना है उसको टैक्स दो। ये प्रभु का वचन कहता है। जब हम दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे घर में शादी होने वाली है और इसलिए हम एक स्टील की अलमारी खरीदना चाहते हैं, अलमारी दिखाइए, तो आपको ले जाके बताता है कि देखिए ये देशी माल है, ये 5,000 का है, और ये कंपनी का माल है, ये 10,000 का है, और ये नामी ग्रामी कंपनी का है, ये 20,000 का है। तो आप कहते हैं कि भैया शादी में वैसे भी बहुत पैसे उठ रहे हैं, और यदि कुछ सस्ता कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो कहता है, ऐसा है, ये 20,000 की जो अलमारी है, इसको यदि आपको पक्की रसीद चाहिए तो टैक्स के साथ 24,000 का पड़ेगा, और यदि आपको रसीद नहीं चाहिए तो हम आपको 20,000 में दे देंगे, आपका 4,000 का फायदा करवा दिया। और ये जो देशी अलमारी जो 5,000 का है, यदि आपको इसकी पक्की रसीद चाहिए तो 5,500 रुपये का पड़ेगा, बिना रसीद के आप ले जाएंगे तो हम आपको 5,000 का दे देंगे। तो आप कहते हैं, भैया हम बिना रसीद के ले लेंगे, 5,000 से थोड़ा सा और कम कर दो। तो दुकानदार सोचता है कि कैश मुझे हाथ में मिल जाएगा, मुझे कहीं हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तो वो कहता है, अच्छा आप 4,800 का ले जाइए, कुल मिला के आपको 700 रुपये का फ़ायदा हुआ, 5,000 की अलमारी पे आपको 700 रुपये का फ़ायदा हुआ, आप बड़े खुश हो गए। लेकिन इस बात को आप भूल गए कि प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ टैक्स देना है वहाँ टैक्स दो, और यदि आप टैक्स नहीं देते तो वहाँ तो सरकार की आँखें नहीं हैं, सरकार टैक्स चोरी के लिए आपको सजा नहीं दे पाती, क्योंकि दुकानदार भी चोरी कर रहे हैं, आप भी चोरी कर रहे हैं, दोनों चुपचाप कर रहे हैं, दुकानदार आपके बारे में, आप दुकानदार के बारे में किसी को जानकारी नहीं देंगे। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, प्रभु की नज़र वहाँ है, प्रभु देख रहे हैं कि प्रभु का बच्चा वहाँ धड़ल्ले से चोरी कर रहा है। आप कहेंगे, शास्त्री सर मैं गरीब हूँ, मेरे लिए 700 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, अमीर हो या गरीब हो, चोरी प्रभु के सामने चोरी है। दूसरी बात, पैसे के इंतजाम कौन करता है? प्रभु करते हैं। अमीर हो या गरीब, उसको कितना चाहिए यह प्रभु जानते हैं। और यदि प्रभु ने आपको सिर्फ इतना दिया है कि आप इवन 5,000 की अलमारी नहीं खरीद सकते, तो प्रभु ने आपको जिन सीमाओं में रखा है उन सीमाओं में जीना आपको सीखना पड़ेगा। Do you understand the principle? If the Lord has kept a boundary around us, we have to learn to live within those boundaries, not according to the world. यदि प्रभु ने हमारे चारों तरफ आर्थिक सीमा बांधी है, तो पड़ोसी को देखकर, उसकी तड़क भड़क को देखकर जीने के बदले प्रभु ने जो सीमा रखी है उस सीमा के अंदर जीना हमको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, हम चोरी करने लगे, उसके समान जीना चाहेंगे, उसके समान जीने के लिए पैसे नहीं है इसलिए हम चोरी करने लगेंगे, उसके समान दूसरों को तो जी कर बता दिया लेकिन प्रभु हमारे प्रति, हमारे विरुद्ध क्रोधित हो गए, इस बात को हम भूल जाते हैं। और याद रखें, प्रभु का कोप या क्रोध यदि हम अपने ऊपर लाते हैं तो वह जीवन बर्बाद हो जाएगा। चाहे एक अफसर
सरकार के बहुत बड़े गोदाम से करोड़ों रुपए की चोरी कर रहा हो, या मैं और आप उस दुकान में जाकर माल खरीदते समय टैक्स दिए बिना चाहे हम 70 रुपए की चोरी कर रहे हों, प्रभु के सामने चोरी चोरी है। प्रभु का बच्चा गलत कार्य करता है तो वह गलत है। इस बात को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। आज हमने जो बात सुनी उसका सारांश मैं एक बार फिर से बता दूं। इस सारी दुनिया का अल्टीमेट नियंत्रण प्रभु के हाथ में है। दुनिया में अमन चैन शांति हो उसके लिए प्रभु ने सारी दुनिया में सरकार रखे हैं। सरकारों में बहुत सारी सरकारें गलत कार्य करती हैं, अत्याचार करती हैं, प्रभु सब देख रहे हैं। उनको जो सजा मिलनी है प्रभु देंगे, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये सारे नियम कानून प्रभु ने इसलिए रखे हैं कि दुनिया में अमन चैन हो, शांति हो। प्रभु के बच्चे होने के कारण मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर नियम और कानून का पालन करें, नियम और कानून का विरोध ना करें। करें तो यदि हम पकड़ लिए जाते हैं तो सरकार हमको सजा देंगी, ना पकड़े जाते हैं मनुष्यों के द्वारा ना पकड़े जाएं तो भी प्रभु की नज़र हमारे ऊपर है, और यदि हम नियम या कानून तोड़ते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, और यदि प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारे जीवन का क्या हाल होगा ये हम सब जानते हैं। क्लोजिंग से पहले एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ। संसार के सृष्टा वो अनादि अनंत प्रभु जो मुझसे और आपसे इतना प्रेम करते हैं, वे मुझे और आपको सदा सर्वदा के लिए अपने पास ले जाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। मैंने इस हफ्ते इसे अपनी आँखों से देखा। मेरे चाचा जिनकी उम्र कोई अधिक नहीं थी, जो स्वस्थ थे, हृष्ट पुष्ट थे, जिन्होंने 10,000 परिवारों में बच्चों को एक नया जीवन दिया था, उस चाचा का मृत शरीर और एक्सीडेंट के बाद जो मृत शरीर अपने हाथ में मिलता है उसके बारे में जरा सोचें। उसको हम, उनके जो भांजे भतीजे थे, हम लोगों ने जब चाचा का शरीर अपने हाथ में उठाया तो हमारा मन हाहाकार कर गया। क्यों? अब कोई व्यक्ति उनको दोबारा वो जीवन नहीं दे सकता। तब मुझे एक बात और ये बात फिर से याद आई, मनुष्य के लिए एक बार मरना अवश्य है। ये तो बहुत बड़े पहुँचे हुए डॉक्टर थे, उनकी चिकित्सा के लिए एक से एक बड़े डॉक्टर वहाँ पर आए। नहीं, मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है। मेरे प्रिय भाई और बहनों जो आज प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है इस बात को ना भूलें, मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है। एक क्षण भर पहले यदि मेरे चाचा को ये बात मालूम होती कि एक गाड़ी तेजी से आ रही है तो वे वहाँ से हट गए होते। नहीं मालूम थी ये बात उनको। आपको क्या लगता है कि कल जब मुझे और आपको संसार छोड़ना होगा तब वो बाकायदा महीने भर का नोटिस आएगा कि शास्त्री तुमको ये सूचित किया जाता है कि 13 मई को तुम्हारा अंतिम दिन है, उसके पहले अपना सारा इंतजाम कर लो? नहीं, मृत्यु हर व्यक्ति के लिए निश्चित है लेकिन वो सूचना दिए बिना आती है। इस कारण आज यहाँ जितने भाई बहन प्रभु की वाणी सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे प्रिय भाई, यदि आपने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाने से पहले ही आप इस संसार को छोड़ जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें।
उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।